बेटी तिलावत कर ली? जी अम्मी। तो जल्दी से नाश्ता बना दो, तुम्हारे अब्बू को नवाब साहब से मिलने जाना है। कौन नवाब? रज़ीक़ क़दर। और इस शहर में दूसरा नवाब है भी कौन? तो इसमें जल्दी की क्या बात है, ढेर सारा वक्त पड़ा है। नवाब साहब तो 10 बजे सोकर उठते हैं, 11 बजे नाश्ता करते हैं। न रोजा, न नमाज, न खुदा, न रसूल, वो थे ठहरे मुल्हिद। बेटी एक बात पूछो, बताओगी? पूछिए ना। जावेद के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जावेद? हाँ, वही नवाब बरचीज कदर का लड़का, इस साल एमए कर रहा है। नए ख्यालात का होते हुए भी सौमसलात का पाबंद है। बेटी अगर हम जावेद के लिए नवाब साहब से तुम्हारे रिश्ते की बात करें तो? कीजिए ना। मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं नहीं बेटी, हम लोग पैसे माँ बाप नहीं हैं जो आंख बंद करके जहां जहां बेटी को झोंक दिया। हमारे लिए तेरी मर्जी का जानना बहुत जरूरी है। भला मैं आप दोनों की खुशी कैसे पामाल कर सकती हूँ? तुझे मालूम नहीं कि ये बात हमारी बेदारी का है? तो ये लाने में इतनी देर कैसे हो गई? माफ कीजिएगा नवाब साहब, एक लम्हे की देर हो गई। लम्हे की देर हो गई, जाओ माफ किया। हाय ये क्या, तुम हमारे नौकर हो, नौकरों का लिबास पहन कर हमारे सामने आया करो। ये नवाबी लिबास नहीं चलेगा। बहुत अच्छा सरकार, कल से लिबास ही नहीं पहनूंगा। हाँ क्या मतलब? मतलब यह है कि कल से ये नवाबी लिबास नहीं पहनूंगा। हम चाय नहीं पिएंगे, हम अफीम खाएंगे, और वो भी बिरजीत कदर के हाथ में। इसे हमारी अफीम खोरी पे बहुत एतराज है। अफीम शौक ना करो, इसमें आपकी सेहत पर हमें सबक देने की कोशिश न किया करो। हम अफीम खाएंगे और वो भी इसी वक्त, और वो भी तुम्हारे हाथों में, ताकि तुम्हारा दिल जल के कमाल हो जाए। और अगर हम चाहे तो उस कमाल को भी खा जाए। क्या ना माहौल कहता है कि अफीम ना खाओ? अरे अफीम ना खाए तो क्या तेरा सर खाए? अरे हमें तो बस सिखाता है, हमें। मेरी लाल परी क्या शर्माई है, क्या हाथ से मलाई हो रहे लाल परी। अरे हाँ, मैं। पहले तुम ये बताओ ये लाल परी कौन है? अरे पहले तुम क्या बताओ कि तुमने मेरे सर पर पानी क्यों डाला? अरे तुम्हें 1.5 घंटे से उठा रहे, उठते नहीं हो। अरे तो उठाने का ये तरीका है सर पर पानी डाल दो। अच्छा, रात की अफीम का नशा अभी तक नहीं उतरा, बस अब तौलिया लेकर जाओ, नवाब साहब की बेदारी का वक्त हो गया है। तेरी चीज, अरे कैसा हसीन ख्वाब देख रहा था, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द फिर रही थी। हद यह है कि नवाब साहब खुद मेरी गुलामी में हाजिर थे, अफीम का अंडा लेकर। ये बाहर था कपन, कहाँ हो गया कपन? आया हुजूर, आया। ये तुमने अपना भुजिया क्या बना रखा? हुजूर वो बारिश मुंह धोने। कुछ नहीं, अफीम खाना कम कर दो वरना पागल हो जाओगे। गली गिरा के तुम्हें पत्थर मारेंगे। पत्थर मारेंगे? हाँ मगर हुजूर। खामोश, नाश्ता तैयार करवाओ, हमें जिम्मेदारी में जाना। अच्छा हुजूर अभी करो, अभी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, नवाब साहब का हुक्म है कि नाश्ता जल्द अज जल्द लगवाया जाए, क्योंकि नवाब साहब आज अपनी जमींदारी के ऊपर तशरीफ कर जाने वाले हैं। जमींदारी पर जाएंगे? जी। जिम्मेदारी रही कहाँ गई? कुछ तो शराब की नजर हो गई, और कुछ ये बुरी खुशी जहाँ का कोठा खा गया। ऊपर से शिकार का शौक, लेने के चंद खेत, एक तालाब, एक बाग और एक ये शर्मिंदर बची है। लड़ती रहती हूँ दुश्मनों के कान पर है, खुदा न करे किसी दिन ये सब भी न डूब जाए। भाई बेगा में गिलहरी दो, हमें तो देर हो रही है। लीजिए तैयार है, ये दिव्या जी भी पान रखती है। ठीक है बेगम जी, नसीम से भी बात छेड़कर देखी। छेड़कर क्या, मैंने तो सिर्फ खुलकर बात की और उसने भी खुलकर जवाब दिया। वो राजी तो है ना? ये आप क्या कह रहे हैं, भला वो राजी क्यों ना होती? जावेद उसके लिए कोई अजनबी थोड़ी है, बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जावेद की शादी के बारे में कहें कि क्या कोई लड़की नजर में है? एक नहीं हजारों हैं, भला कौन नहीं चाहेगा मेरे बेटे से अपनी लड़की पे आना, मगर मेरी नजर तो घूम फिर कर नसीम पर ही टिकती है। खुदा नजर बद से बचाए, लाखों में एक है। कमाल अख्तर की लड़की के बारे में कह रही हूँ? जी। बेगम, हम तुम्हारे इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। नसीम वाकई हीरा है हीरा, मगर कुछ जरूरत से ज्यादा मजहबी लड़की है। हर वक्त तिलावत और नमाज में लगी रहती है, जब देखो पीरों फकीरों मजारों का चक्कर है। कोई बात नहीं, हमसे ठीक करना पड़ेगा। बस बस रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं उसको ठीक करने की। अपना जावेद भी तो इन्हीं ख्यालात का है, बिल्कुल मेरी तरह सोम सलात का पाबंद। माफ कीजिएगा, वो कमाल अख्तर साहब तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह रखे, क्या उम्र पाई है, इधर याद किया उधर वो आ गए। बुला लो उन्हें, मैं उठ में भूल जाती हूँ। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए कमाल साहब। नवाब साहब, अरे भाई कभी तो सलाम का जवाब दिया कीजिए। क्या फायदा अगर जवाब में मैंने कह दिया कि आपका सलामती हो, तो क्या वाकई सलामती हो जाएगी? और नहीं तो क्या आसमान भटक पड़ेगा। छोड़िए कमाल साहब, नाश्ता कीजिए। शुक्रिया, अब तो खाने का वक्त हो रहा है, कुछ तो लीजिए। देखिए फल वगैरह हैं, ये शाही कोफ्ते, गाजर का हलवा। बेगम साहब ने लिहाज किसी चीज की हाजत नहीं है। अच्छा तकल लो फिर। अच्छा एक प्यारी चाय तो पीएंगे? हाँ चाय जरूर पीएंगे। तो फरमाइए कैसे ध्यान की? वैसे हम लोग अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। मेरा जिक्र? खैर तो है किस सिलसिले में? सर भाई वो बेगम साहब का ख्याल था। खैर छोड़िए, इन औरतों का भी क्या, कुछ भी बखेड़ा लेके बैठ जाती है। आप सुनाइए क्या हाल है? हाल अहवाल तो ठीक ही है नवाब साहब। दरअसल मैं अपने नसीम का रिश्ता जावेद मियाँ से तय करने आया हूं। कमाल साहब, ये रिश्ता में मंजूर है? आपको मंजूर है? अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अजी हजरत, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की क्या जरूरत है? रिश्ता हम दोनों ने मंजूर किया और शुक्र आप उसको भेज रहे हैं। वाह वाह नवाब साहब, उसका तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो गुनाह करते हैं इसका जिम्मेदार भी वो है, हम नहीं। नहीं, अपने गुनाहों की यकीनन हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसने समझने बूझने के लिए अक्ल दी है, आंखें बख्शी हैं। अजब मंतक है आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ अच्छा किया अल्लाह ने किया और बुरा किया अब्दुल्ला ने किया। वाह वाह वाह, जाने दीजिए नवाब साहब, हमारे आपके ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है, जो कभी नहीं हो सकते। हाँ आप ये बताइए, शादी में क्या क्या करना होगा? जो दुनिया में होता है शादी, उससे पहले मंगनी। ठीक है, जावेद के आने के बाद कोई मुबारक साथ देख कर मंगनी करा दी जाएगी। ये मुबारक और मंगनी साथ क्या हुई? अजी जो काम करना है वो करना है, अच्छी बुरी घड़ी कुछ नहीं होती। सब नवाज साहब मैं चलता, खुदा हाफिज। नवाज साहब माफ कीजिएगा, जमींदारी से वो अहलकार साहिबान तशरीफ लाए हैं, उनको बिठाओ, हमने बुलाया है, हमें जमींदारी में जाना है। नवाज साहब सलाम। चोर सलाम माई बाप। माई बाप के बच्चे, तूने किसकी इजाजत से हमारी जमीन पे झोपड़ा बनाया? अरे सरकार, जमीन आपकी, खेत आपका, मालिक आप, हम सब आपके गुलाम, फिर हमें इजाजत ले की क्या जरूरत रही सरकार? अच्छा तो इजाजत की जरूरत ही नहीं? नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है, जो तो हम सहारा होते तो आपसे जरूर इजाजत ले लेते। अब्दुल, शुभराती, जाओ इसका झोपड़ा फौरन गिरा। अरे नहीं सरकार ऐसा जुल्म न करो, देखो अपने बाल बच्चन के लेके आए हैं, अपने सर छुपावे की जगह नष्ट करो। मुँह क्या देख रहे हो, जाओ छोड़ दो। इन्हें रोक लो सरकार, इन्हें रोक लो, ऐसा कुछ हम न खाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता, ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता। जुम्मन हम तुम्हारा झोपड़ा तोड़वाए देते हैं और तुम अपने ख्वाजा गरीब नवाज से कहो कि वो तुम्हारे लिए एक ताजमहल बनवा दें। नहीं नहीं देखो जुम्मन, जुम्मन इससे पहले कि तुम्हारा झोपड़ा गिरे तुम खुद उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दो। नुसरत नवाब साहब, अगर आप नवाब ब्रिटिश कद्र हैं तो हम भी नुसरत जमा हैं। मुकाबला कांटे का है। जुम्मन कल से तुम हमारे खेतों में काम करो, तुम्हारी झोपड़ी हमारे जमीनों पर बनेगी, जिसके लिए घास फूस ईंट पत्थर जो कुछ भी हो उसकी कीमत हम देंगे। नवाब साहब आप हमारी इज्जत बचाए रखो। जुम्मन तुम मजदूर हो, मेहनत करते हो, तुम्हारा सर सिवाय खुदा के किसी के आगे नहीं झुकेगा। नवाब साहेब आपका खुदा का वास्ता दिया, अपना ही सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज की जान में गुस्ताखी की हो, याद रखो, याद रखो, एक दिन तोरा मुंह टेढ़ा हो गई है, तोरा मुंह टेढ़ा हो गई है। दीदी, अरे गीता आ मेरी बिट्टी। हाँ दीदी 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 कैसी है मेरी बिट्टी? खाना खाया? खा लिया। शंकर चाचा कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा दीदी ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हो? हाँ बुझो तो जानो। मुझे तो नहीं मालूम। नहीं मालूम। ये स्वेटर मेरी बिट्टी के लिए बुन रही हूँ, जारी शुरू हो रहे हैं ना। दीदी तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा कहाँ जा रही हो? बिस्किट खाती जाओ। मैं जा थोड़ी रही हूँ, मैं तो पिछवाड़े बाग में तितली पकड़ने जा रही हूँ। बिना माँ की बच्ची भी क्या होती है, बेचारी गीता पर बड़ा तरस आता है। अम्मी जान मुझे ये समझ में नहीं आता, शंकर चाचा ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अरे बेटी इसलिए नहीं की कि न जाने दूसरी औरत इस मासूम पर क्या जुल्म ढाएगी। बेगम, बेगम गीता तो यहाँ नहीं आई थी। आई है, पिछवाड़े बाग में खेल रही है। क्यों क्या बात है? गजब हो गया बेगम, ब्याह शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। या अल्लाह है, किस जुर्म में? उन पर अपने मुहकमे के 60,000 रुपए के गबन का इल्जाम है और यकीनन ये साजिश है। झाड़ू फिरे ये साजिश किसकी हो सकती है? उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। ये सारी शरारत उनके दो मातहतों की है जो परले दर्जे के बेमान रिश्वतखोर है। दया शंकर की ईमानदारी उन दोनों के आड़े आती थी। बस आसारिया कम वक्त होता। अब क्या होगा? होगा क्या, अभी तो नौकरी से मुअत्तल हैं। अब देखो अदालत क्या फैसला करती है। मुझे तो यकीन है इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में बेदाग रिहा हो जाएंगे। आमीन। देखो बेटी तुम यहाँ गीता को रोक लेना अपने पास, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। दया शंकर जी। कौन? कमाल अख्तर भाई। हाँ आओ भाई आओ, आओ। कमाल अख्तर भाई आपने मेरी जमानत देकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दया शंकर भाई कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कमाल भाई सच पूछो तो इतने बड़े अपमान के बाद इस जिंदगी में रहा ही क्या है, मैं तो आत्महत्या कर लेता, मगर क्या करूं, गीता का ख्याल आता है कि इतने बड़े संसार में उसे अकेले छोड़कर किस पर जाऊं। जयशंकर भाई ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। कमाल भाई। जयशंकर तुम्हारा बदन तभी कितना सफरा। भैया तुम्हें बहुत सख्त बुखार है, ले जाओ भैया। नाम साहब के यहाँ से शीरी नहीं आई है। जावेद मियाँ एमए में फर्स्ट क्लास बात हो गई। अरे छुपाने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखों में तो पट्टी बनी हुई है। अरे कब्बन मियाँ, भला तुमसे क्या पर्दा, तुम भी तो अपने घर के ही आदमी हो। बिल्कुल। पर ये आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? ये सब हमारी बीवी की बेवकूफी है। आप तो जानती हैं कि खादसार को जरा अफीम चूसने की आदत है। ये पहल यूँ हुआ कि आज सुबह सुबह हमारी बीवी लहर में थी और उन्होंने मचल के कहा कि कब्बू हम तुम्हारी आंखों में काजल लगाएंगे। हमने उछल के कहा कि घसीटी लगा। अब क्या हुआ कि हमारी अफीम का अंटा जो था वो ताक में रखा हुआ था, वो ये समझी कि ये काजल है, उन्होंने उसे मचल के हमारी आंखों में फेर दिया। तब से ये आंखें अंटा वाफील हो गई। ओहो गब्बन मियाँ जी, हमारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है जी, फिर वहाँ से यहाँ तक चलकर कैसे आए? आप वजह फरमा रही है, वैसे तो मुझे सब देता है मगर क्या है कि मैं दिल की आंखों से चल के आया हूँ। माफ कीजिएगा, अब खादसार रवानगी चाहेगा और इत्तलान अर्ज फरमाएगा कि ये सीने और पालपोश वापस भिजवा दीजिएगा। और जरा इस तरफ देखिए, आधा वक्त कर रहा हूँ जी सर, आधा। मुझे सब दिखता है, सब दिखता है। बेगम जी, ये खानदान से है, ये नवाब साहब के घर से आए, अपने जावेद मियाँ है ना, पास हो गए। और हाँ, वो दया शंकर का क्या हुआ? अदालत ने उन्हें 10,000 की जमानत पर रिहा कर दिया। जब वो अदालत से बाहर निकले तो बुखार की वजह से उनका बदन तवे की तरह तप रहा था। बेइज्जती का सदमा करीब के दिल पर पूरी तरह बैठ गया। अल्लाह रहम करे। गीता कहाँ है? बराबर के कमरे में सो रही है, उसे घर भेज दो। दयाशंकर बहुत परेशान है। आ गए मेरे बेटे, सलामत रहो। सलामत से याद आया कि बंदा सलाम अर्ज करता है। वालेकुम सलाम। परखुरदास ये क्या बना रखा है? अजी कल तक तो दोनों बाजार बंद थे, ये तो आपके आने की खुशी में एक दुकान खुल गई है। अरे तू भी कहाँ सर खपा रहा है बेटा, जाके हाथ मुंह धो, फिर नाश्ता कर ले। गर्मा गर्म नाश्ता, गर्मा गर्म पराठे, शामी कबाब। आज ये तुम लोग अचानक कैसे धमक पड़ी? नसीम कहाँ था जान? वो बाहर हाथे में बगीचे में होगी। सारे खाते रहो तो आदाब कबूल कीजिए कनीज़ा। आ गई मेरी जान खाने। देखो अगर तुम लोग ज्यादा परेशान करोगे ना तो कमरे में जाके दरवाजा बंद करके अंदर से ना हाथ बैठा। मेरी लाडो चंद महीने और ठहर जा, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने के दिन भी आने वाले हैं, मगर अकेले नहीं, किसी के साथ। देखो देखो मैं फिर कह रही हूँ, मुझे ज्यादा तंग मत करो। देखो नसीम, आज हम तमाम सहेलियाँ एक फैसला करके आई हैं। क्या? जल्दी बको, हम तुमसे तुम्हारी एक गजल सुनना चाहते हैं। हाँ। कौन सी गजल? अरे वही जो जावेद मियाँ ने कही थी और पिछले साल शमा में छपी थी, और फिर वो महानामा उन्होंने आपकी नजर किया था। अब सब बनो मत मेरी जान, बस शुरू हो जाओ। चलो चलो। हम उनकी आरज़ू में कुछ ऐसे खो गए हैं, कहते क्या गाया है? माशाल्लाह क्या गला पाया है। किस्मती है कि आपकी सहेलियों ने आपको तन्हा छोड़ दिया, इसीलिए हमारे पांव जमीन के गर्द से गए हैं। ना हम ठहर सकते हैं और ना हम भाग सकते हैं। भागने की जरूरत भी क्या है, हम कोई गैर तो नहीं। लिल्ला, अगर आगे न बढ़िए वरना हम शर्म के मारे जमीन में गड़ जाएंगे। आपका ये दुपट्टा हम पर जुल्म ढा रहा है। हम दोनों के बीच ये दीवार की, अब तो हम एक होने वाले हैं। एक होने वाले हैं, अभी एक हुए नहीं। जब हम एक हो जाएंगे तो बाखुदा हम दोनों के दरमियान शर्म के अलावा और कोई दीवार हायल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, अरे बाबा बहुत दिनों बाद सूरत दिखाई दी। बैठिए बैठिए। आज यहाँ का मूल पड़े, यहाँ से 3 मील दूर पे चुपशाह का मजार है। आज नौचंदी जुमेरात है, सोचा फातिहा पढ़ लूं। आप दिन रात मजारों में चक्कर लगाते रहते, क्या मिलता है मजारों पे? आप सुकून, इत्मीनान कल्ब। बाबा आजकल का इंसान चांद पर उतर चुका है। और नदी पर नजरें जमा रखी हैं। आप हैं कि वही पुराने दकियानूसी ख्यालात, पीरी फकीरी मन्नत मुरादें उलझे हैं। अपना अपना शौक है नवाब साहब, किसी को चांद पसंद है और किसी को वलीउल्लाह का मज़ार। अच्छा ये बताइए उस थैली में क्या लिए फिरवाएं आप? फिर चढ़ जाएंगे आप। ये चादरें हैं जो मैं मज़ारों पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। भाई हम क्यों चढ़ेंगे, कोई हमारी गांठ से तो कुछ खर्च नहीं हो रहा। हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं कि आजकल के ज़माने में लोगों को कपड़ा मैसर नहीं, और आप हैं कि मज़ारों पर चादरें चढ़ा रहे हैं, और वो भी रेशम की। ये भी अपने मुकद्दर की बात है नवाब साहब, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जीते जी पहनने को कपड़ा मैसर नहीं होता है, और कुछ पर अल्लाह का इतना करम होता है कि मरने के बाद भी उन्हें चादरें मिल जाती है, वो भी रेशम। ब्रिटिश कदर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि इस जंगल में शिकार खेलना मना है? तो फिर तुम यहाँ बंदूक लेकर क्यों घूम रहे हो? मेरे पास कलेक्टर साहब का खुसूसी इजाजतनामा है। अगर तुम्हारे पास इजाजतनामा है तो मैं बगैर इजाजतनामे के शिकार खेलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्रिटिश कदर, तुम जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। मुझे रोकने वाला कौन है? तू नजर नीचे रखो कमीने, और बात करने का तरीका सीखो। जामे से बाहर होने की कोशिश न करना, वरना खाल के लिबास से भी महरूम कर लिए जाओगे। कमाल है, इतनी बड़ी बेइज्जती आपने सहली, नवाब के बच्चे को जवाब क्यों नहीं दिया? मुन्ने खां, इस थप्पड़ का जवाब ऐसा दूंगा कि ब्रिटिश कदर की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आइए आइए, तशरीफ लाइए नवाब साहब, तस्लीम आइए। आज इस जमाने के बाद इस कनीज के घर का मुकद्दर जागा है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए नवाब साहब। क्या बात है, आज आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। नसीबे दुश्मना, कोई उफ्तादा पड़ी है? हाँ खुर्शीद जहां, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, कहीं इनकार न कर देना। हुक्म कीजिए खादिम नवाज। सबसे पहले हमारी तरफ से ये नजराना कबूल करो, पूरे 10,000 है। आज कनीज खुशी से फूली नहीं समा रही है, आपने मुझे इस लायक तो समझा। अब अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो और वादा करो कि तुम हमारा साथ दोगी। बेगम, बेटी की शादी में हमसे धूम धड़के की उम्मीद न रखना, जो काम होगा शरई। मैं तो सिर्फ मंगनी की बात कर रही थी। हाँ मंगनी, ठीक है। अगर तुम्हारी जिद हुई तो एक अच्छे कव्वाल को बुलाकर कव्वाली करा देंगे। देखो अपने दोस्त कव्वाल है ना, अरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कव्वाल, अल्लाह रखे, यूसुफ आया। बहुत ठीक। अम्मी जान, मामू का खत आया है लाहौर से, सख्त बीमार हैं, हम सबको देखने की तमन्ना की है। खुदा जाने वो दिन कब आएगा जब हम बहन भाई मिलेंगे। एक जमाना हो गया बिछड़े हुए। इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है, रास्ते खुल रहे हैं, 2-4 महीने में आना जाना शुरू हो जाएगा, जाके देखा ना। हाँ, नवाब साहब क्या गया था, बेगम साहबा को मंगने की तारीख दिया। नवाब साहब कहाँ थे? अरे उनकी ना पूछो, उनके तो 2 ही ठिकाने हैं, या शिकार या खुर्शीद जहाँ का कोठा। तो कोई हमें बसा ले, कोई हमें बसा ले, अपने दिलों के घर में कोई हमें बसा ले, अपने दिलों के घर में हम खो के रह न जाएं। ख्वाबों हम खो के रहना कितना दिन निकल आया है? उठते हो या डालू पानी? डाल डाल डाल, पूरे 25 लीटर डाल। गाड़ी की टंकी बहुत बड़ी है। अरे टाकी भर गई हो तो वापस आ जाओ। ये तो गाड़ी भी नहीं चल रही है। अबे थका मार कुल्लू के चरखे। खती जी, बेगम साहबा, कब्बन को जल्दी से उठा दे। नवाब साहब को उठने का वक्त हो रहा है। देखिए ना बेगम साहबा, कब से उठा रही, उठते ही नहीं। मुही न जाने किसकी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। झाड़ू फिरी गाड़ी फिर भी नहीं चलती। खैर, इसकी गाड़ी मैं चलाती हूँ। अरे कैसे चलाओगी, पंचर हो गया। मैं कहाँ हूँ? ये अस्पताल कौन था? मेरे घर को अस्पताल बना दिया तूने। बेगम साहब, आजाद कर दो, आजाद। मुस्तैदी 8-8 बजे तक सोता रहता है। अफीम जी कहीं का जा, जाके मुँह हाथ धो ले। जी हाँ, मुँह हाथ धो। अभी आया। लानत है, ऐसा नौकर देखा ना सुना। दिन रात अफीम की झोंक में रहता है। बेगम साहिबा, चंदू खाने की ताजा खबर। कल रात नवाब साहब खुर्शीद जहाँ के बाला खाने पर 750 रुपए लुटा के आ गए। आग लगे इस मुई खुर्शीद जहाँ के बाला खाने पर। आमीन सुम्मा आमीन। और तू झाड़ू फिरा कौन सा कम है? अब तो इस घर का अल्लाह ही हाफिज है। मालिक शराबी और नौकर अफीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेगम, मंगने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तकरीबन सभी चीजें खरीदी जा चुकी हैं। खर्च दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और वे रमजान शरीफ से चले आ रहे हैं। खैर, अल्लाह मालिक है। बेगम साहिबा, कमाल अख्तर साहब के वहां से शीरीनी मंगनी का जोड़ा अंगूठी उन्हें जाने क्या अल्लाह गल्लम आया है। ठीक है ठीक है, रख दो। अरे ठहरो, काबदानी टूट जाएगी। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आपके सामने हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कव्वाल यूसुफ आज़ाद और रशीदा खातून मौजूद हैं। अब आप उनकी कव्वाली से लुत्फानंदोज होइए। हम तुम तो डैडी के दिल के सहारे थे। हम तुम ए बड़ा लुत्फ था जब ओ कुंवारे थे। हम तुम सुनो जी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे। हम तुम सुनो जी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे। हम तुम सुनो जी, बड़ा मैं हीरो था कितनों का शादी से पहले, हंगामा फितनों का शादी से पहले। बड़ी ब्यूटीफुल थी जवानी की रातें, हसीनों से होती थी रंगीन बातें। मुझे याद है आज तक वो जमाना, हसीनों के जमघट में पिकनिक मनाना। मगर बन गई जब से तू मेरी दुल्हन, मेरी जिंदगी बन गई एक उलझन। जो शादी हुई 2 बजे मेरे 12, मेरी हर खुशी हो गई 9-2-11। तेरी बूढ़ी माँ ने कभी मुझको डांटा, कभी बन गया तेरा बाप दिल में कांटा। कभी जान को आ गए तेरे भाई, कभी तेरी बहनों ने की हाथापाई। और उस पर सितम हर बरस एक बच्चा। चलो अब मुझी को चबा जाओ कच्चा हुआ हर मजा किरकिरा आशिकी का समझ लो जनाजा उठा जिंदगी का परेशान हो तुम और मैं हक्का बक्का सगाई ने हमको कहीं का ना रखा। ये चमकते चमकते सितारे थे हम तुम अजी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब। तक हुई थी मेरी तुमसे शादी मैं लाखों के सपनों की थी शाहजादी मेरे आगे पीछे टहलते थे कितने जगाती थी जादू उठाती थी फितने। न बहनों से डरना न भैया से डरना कई बार दिन भर में बनना संवरना मगर तुमने कुछ ऐसा चक्कर चलाया मोहब्बत के फंदे में मुझको फंसाया। कभी नाज फादर मदर का उठाया कभी भाई बहनों को मस्का लगाया। गरज तुमसे धोखा बड़ा खा गई मैं तुम्हारी दुल्हन बन के पछता गई मैं। जो कहती हूँ मैं ला दो होठों की लाली तो कहते हो फौरन के है जेब खाली। जो कहती हूँ मैं ला दो पाजेबो कंगन तो कहते हो मांझो अभी और बर्तन। पड़ी किस मुए के मैं पल्ले खुदाया कोई दिल का अरमा निकलने ना पाया। थे खुश जब ना उल्फत के मारे थे हम तुम बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब। ये बच्चों की झंझट और उस पर वो दिन रात की तुमसे खटपट कभी थक-थका कर जो दफ्तर से आना तुम्हारे ही ऑर्डर पे बच्चे खिलाना तुम्हारा ये कहना नहीं घर में आटा मेरी इल्तिजा मत पकाओ पराठा तुम्हारा ये कहना कि मुन्नी के अब्बा हुआ खत्म घर में जो था घी का डिब्बा। हो शैता की तुम बेटी भूतों की खाला मेरे घर का तुमने निकाला दीवाला। मेरी तुमने फैशन से लुटिया डुबो दी बड़े होके बच्चों ने भी कब्र खो दी। जो आए बहू और दामाद तौबा गजब ढा गई उनकी औलाद तौबा। मेरे पीछे पड़ते हैं वो हाथ धोकर बनाया है पोतो नवासों ने जोकर। न तुम नानी बनती न मैं बनता नाना न घर बनता मेरे लिए जेल खाना। जो शादी न होती तो कुछ भी न होता न तुम मुझको रोती न मैं तुमको रोता। हुई भूल हमसे जो शादी रचाई के खुद जिंदगी अपनी कड़वी बना ली। मोहब्बत के मीठे छुआरे थे हम तुम ए बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम सुनो जी झंझट जो लगता है भारी, तो बन जाते शौहर के बदले मदारी। जो शौहर बने हो तो नखरे भी झेलो, कहा किसने था प्यार का खेल खेलो। जो दूल्हा बने हो तो फिर फूको चूल्हा, झुलाओ नवासों का पोतों का झूला। मिला ऐसा कंजूस शौहर के तौबा, यूं फूटा है मेरा मुकद्दर के तौबा। तुम्हारे दुखों ने ये हालत बना दी, अरे काश मैं तुमसे करती न शादी। कभी यूं ना हम दोनों बर्बाद होते, मैं आजाद होती तुम आजाद होते। कहाँ इस कदर बेसहारे थे हम तुम, अजी बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी ये बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। सुनो जी बड़ा लुत्फ था जब। वो बेगम साहिबा गजब हो गया, बेगम साहिबा गजब हो गया जी। वही हुआ जो हर साल हुआ करता है। अरे मुंह से तो फूट आकर हुआ क्या? रमजान शरीफ का चांद निकल आया, गस्से मेरी अबीम बंद हो गई है। बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो। अरे मुबारक हो, 30 दिन के रोजे। अरे अल्लाह मियाँ, 29 का कर दे आपके, 29 का कर दे आपके, 29 का कर दे। अम्मी तस्लीम, रमजान का चांद मुबारक हो। जीती रहो बेटा, तुझे भी मुबारक हो। अब जल्दी जल्दी घर का सारा काम करवा ले, तेरे अब्बू तरावी पढ़कर देर से आएंगे। और आज तू जल्दी सो जाना, सुबह 4 बजे उठना होगा सहरी के लिए। अच्छा अम्मी। अम्मी जान, रमजान का चांद मुबारक हो। खुश रहो बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। रमजान के चांद पे तबसरा करना है तो उस चांद को देखो जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा। तो लीजिए पानी पीजिए, सहरी का वक्त खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, अफ्तारी की चीजें बहुत लजीज थी, मैं तो खाता ही चला गया। अब तो खाने की भी गुंजाइश नहीं बाकी है। आरी साहब, नसीब ने खुद अपने हाथों से बनाई है, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। अल्लाह आपसे उम्र खिज़र अता करे। बाबा, आप तो अजमेर शरीफ जाते ही होंगे। हम फकीरों का दुनिया में इसके अलावा ठिकाना ही कहाँ बेटी। न जाने हमारी लीग का बुलावा आएगा गरीब नवाज का। बाबा, बाबा। हाँ बेटी। फिर भी आप ये चादर चढ़ा दीजिएगा बेटी, वो खैरात ज़कात रुपए सब लाई हो। जज़ाकल्लाह, जरूर चाहता हूँ बेटी। जिंदगी में सब्र और इस्तक़लाल का दामन कभी मत छोड़ना। तो आपने नेक बंदों का इम्तिहान भी लिया करता है। मैं तेरी दीदी नहीं और तू मेरी बेटी नहीं। दीदी। अच्छा बता, क्या बात है? दिवाली आ गई है, पिताजी बीमार है, ना मेरे नए कपड़े आए हैं, ना पटाखे आए हैं, ना मिठाई आई है। बस इतनी सी बात में मेरी बिट्टी का चेहरा उतर गया। देख, तेरे नए कपड़े भी बन जाएंगे, पटाखे भी आ जाएंगे और ढेर सारी मिठाई भी आ जाएगी। अच्छा ये बता, बड़ी दिवाली कब है? दीदी बड़ी दिवाली कल है। कल है? कल है तो तेरी दिवाली धूमधाम से होगी। देख, मेरे अब्बू मेरे लिए ईद के कपड़े लाए हैं, रात भर बैठ के मैं तेरे लिए सी दूंगी, मेरे लिए और आ जाएंगे। अब तो खुश है ना? जरा दिखाना था। बेटी अब बस करो, 11 बज रहे हैं, तुम्हें सुबह भी तो उठना है जल्दी सहरी के लिए, बाकी कल सी लेना। अम्मी जान, रमजान में हर अच्छा काम इबादत है, अगर ये मासूम बच्ची खुश हो जाएगी तो मुझे 27वीं शब की इबादत का सवाब मिले। बेगम, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ है, दया शंकर का आखिरी वक्त है, उसके लिए दुआ करो। इनकी बेहोशी खतरनाक है, इस वक्त ये कोमा में है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। या ख्वाजा गरीब नवाज, आपकी ये कमीज गुनहगार है, इसकी जुबान बेअसर बेतासीर है, आप खुदा के परखुदा वली हैं। आपको नबी करीम का वास्ता खुदा के हुजूर में दुआ कर दीजिए कि वो शंकर चाचा को सेहत कुली अता फरमाए। देखिए कमाल साहब, अब बच्ची को हटा दीजिए। आप फकीरों के दाता हैं, बेसहारों का सहारा है, ताज दार मदीना के दोपहर में मेरी फरियाद सुन लीजिए। आप कैसी तबीयत है आपकी? भगवान की तरफ से अच्छी है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था। गीता तो अच्छा है, बहुत बेख्याल है। रही हमारी बात, तो जिस वक्त आप 50,000 नवाब साहब गोया कि आप जहेज मांगा है। यकीनन, अगर आपको ऐसी ही जहेज की शर्त रखनी थी तो मांगने से पहले इशारा कर दिया होता है। कोई मुजाहरा नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहें तो मंगनी तोड़ सकते हैं। बर्जीज कदर साहब, आप लड़के वाले हैं और मैं लड़की का बाप हूं। अगर आप मेरी जगह पर होते तो पता चलता कि मंगनी के टूटने से लड़की पर, लड़की के खानदान वालों पे क्या असर पड़ता है। इस सिलसिले में हम कुछ सुनना नहीं चाहते। शादी होगी तो हमें पूरे 50,000 का जहेज चाहिए। बजा फरमाया आपने, लेकिन हुजूर, आप मेरी माली हालत से बखूबी बातें कर रहे हैं। मेरे लिए इतना बड़ा बोझ उठाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फिर आपने नसीम के लिए जावेद के इंतखाब करने में बहुत बड़ी गलती की। नवाब साहब, जरा कुछ तो सोचिए। मंगनी होने के बाद रिश्ता टूटने के मानी ये है कि हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नवाब साहब, हमारी भी इज्जत है। मुंह दिखाने में आपको मुतलक तकलीफ नहीं होगी कमाल अख्तर साहब। आजकल के दौर में मुफलिस की इज्जत ही नहीं होती। अब क्या होगा? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया जाएगा? हमारे पास बेचने को कुछ भी तो नहीं बचा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बेगम, हमें मकान बेच देंगे। हाय अल्लाह, मकान बेच देंगे तो घर से बेघर होकर कहाँ जाएंगे? यही रहेंगे। पहले मालिक बनकर रहते थे, अब किराएदार बनकर। बेगम, ये बेटी की इज्जत का सवाल है, इसके सिवा कुछ चारा भी नहीं। ठीक है, मैं महाजन के पास जाता हूँ। आपका ये दुपट्टा आज भी हम पे जुल्म उठा रहा है। खुदा के लिए आज तो दीवार कायम न कीजिए, एक जमाना हो गया आपका चेहरा देखने। अपनी इन गिलाफी आंखों को इसी तरह बंद रहने दीजिए, वरना कल सुबह का सूरज शर्मा शर्मा के निकल। बेगम, कुरान शरीफ और जानमाज एहतियात से रख लिया है ना? आप इतना ना रखिए, मैंने खुद अपने हाथों से संदूक में एहतियाती से रख दिया है। इमाम साहब, घर में हो क्या? लो, दयाशंकर भी आ गया। जरा ठहरिए, मैं आग ना हो जाऊं। आओ आओ दयाशंकर भाई, चले आओ। मुबारक हो कमाल भाई, भगवान की दया और आपके दुआ से मैं केस जीत गया। केस तो आपको जीतना ही था दयाशंकर भाई। इस बच्ची ने दिन रात गिड़गिड़ा कर ख्वाजा गरीब नवाज से आपके लिए दुआएं की। दुआओं का तो वो असर हुआ कमाल भाई कि केस तो जीते गया, साथ ही साथ तरक्की भी होगी और तादला भी लग गया। मिठाई खाओ। कमाल भाई, दुनिया में अगर बेटियां ना हो तो माँ बाप के लिए दुआएं कौन मांगता? आधा वर्दा शंकर चाचा। अरे भैया, ये कहाँ की तैयारी है? चाचा जान और चची जान दोनों लाहौर जा रहे हैं। लाहौर क्यों? बात ये शंकर भैया, बेगम के मंझले भाई सख्त बीमार हैं, उन्हें देखने जा रहे हैं। मैं सब समझ चुका हूँ कमाल भाई। दयाशंकर अभी जिंदा है, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे साथ जाएंगे। नहीं नहीं शंकर भैया, तुम मुझे गलत समझे। बिल्कुल नहीं, सच बात तो ये है शंकर भैया, अब यहाँ से दिल उचाट हो चुका। अब भगवान ने जब मुझे खिदमत करने का मौका दिया तब आप हाथ छुड़ाकर भागना चाहते हो? शंकर भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम न भूलना। नहीं नहीं खुशी जहां, तुम्हारे सर की कसम, हम तुमसे कर्ज नहीं लेंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है। हुजूर, ये कर्ज नहीं मेरा फर्ज है। आपको पता है, मैंने बड़ी मुश्किलों से एक साहब को तैयार किया है, वो आपका बाग 10,000 में खरीदने के लिए तैयार है। क्या कह रही हो? 70,000 रुपए का बागीचा 10,000 रुपए में? हुजूर, ये भी गनीमत समझिए, वरना आजकल तो लोग जायदाद खरीदते हुए डरते हैं, और बिना बेचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, और नुसरत जुबा से मुकदमेबाजी कैसे चलेगी। नुसरत जमा जी, यहाँ साइन कीजिए, लीजिए। लेकिन कौन है वो शख्स? आपको उससे क्या सरोकार, आप यहाँ देखिए, खरीदने वाले की जगह मेरा नाम दर्ज है। वो आपके सामने भी नहीं आएगा, ना आप मिलेगी ना आपको शर्म आएगी। दस्तक कीजिए, कीजिए ना। मैंने भी अगर नवाब ब्रिजिट कदर के हाथों में भीख का प्याला न दे दिया तो मेरा नाम भी नुसरत जमान ही। सियापोश हुए मातमे जवां, सियापोश हुए मातमे जवां। कपन काम लग गया। कपन कपन ने अपनी छोड़ दी है, वो अब नमाजी हो गया है, इस वक्त नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ रहा है मैडम, मैं मुसल्ले जान नमाजे भेजे देता हूँ, मौजन का भी इंतजाम किए देता हूँ, इस घर को मस्जिद बना दो, मस्जिद बना दो। हाँ। नमाजी बना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तक मेरी नजर में वो शम्मा जल रही है, अब तक मेरी नजर में हम खो के रह न जाए, ख्वाबों की रह गुजर में कोई हमें बता ले, अपने कमाल है, अभी तक खुर्शीदा का नौकर नहीं है। बस आता ही होगा हुजूर, आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। वो मारा, आज से ब्रिटिश कदर का तालाब भी हमारा हो गया। वक्त रह गए खेत, उसके बाद हमारी आंखें इशरत मंजिल पर होंगी। अरे कब्बर, इस वक्त बजा क्या होगा? न ढोल बजा न ताशा, मगर मेरे सर में घंटे जरूर बज रहे हैं। अरे आज तो मक्खी के सर के बराबर भी खाने को ना मिली। अरे कमीने, मैं वक्त पूछ रही हूँ। वक्त न पूछिए बेगम साहिबा, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अरे महंगाई है कि आसमान को छुए लेती है। शक्कर न हुई, हीरे की कनिया हो गई, यानी 4.5 रुपए किलो। और मिट्टी का तेल, हाथ पड़े तेरे मुंह पर। अगर ज्यादा गड़बड़ की तो मिट्टी का तेल छिड़क कर फूंक दूंगी। मैं पूछ रही हूँ घड़ी में क्या बजा होगा। अच्छा, तो आप टाइम पूछ रही हैं। हाँ। सुई पर सुई चढ़ी होगी, 12 बजे होंगे। 12, आधी रात हो गई और दबाब साहब को अभी तक घर नहीं याद आया। घर पे तो होंगे, जंगल में नहीं। ये दूसरी बात है कि इस घर पे न सही, खुर्शीद जहाँ के घर पर। अल्लाह की मार इस खुर्शीद जहाँ के ऊपर, आग लगे इसके घर को। यहाँ मेरा घर फूक रहा है। आ गए दरोगा जी, आप बढ़िए। डर्बी के घोड़े पे सवार आए होंगे। अब एक कब्बन तो निकल जाए। कब्बन, हराम को इतना क्यों मुंह लगाते हैं कि अपना तन बदन का भी होश नहीं रहता? क्यों पीते हैं इतना? पीते हैं बेगम, हमारी इसी में शान है। और पिएंगे, पीजिए और पीजिए। है कौन रोकने वाला? पहले खेल गए, फिर बाप को आग लग गई और उसके बाद तालाब भी बिक गया। अब ले देकर ये हवेली बची है, इसे भी फूंक डालिए और फिर मुझे और बहू को ले जाकर खुर्शीद जहां के कोने पर बैठा दीजिए। बेगम, बेगम, हम ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे। अगर तुमको हमारे तौर तरीके पसंद नहीं है तो तुम खुशी से अपने माँ बाप यहाँ जा सकती हो। जाओ। अल्लाह का मम्मी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं बेटी, अब मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहूंगी। मुझसे इस घर की बर्बादी नहीं देखी जाती। अल्लाह भी मेरी उम्र से, अभी मेरे वालिदैन सलामत है, मैं बाहर चली जाऊंगी। छोड़िए भी अम्मी, आपको मेरी कसम। छोड़ दीजिए गुस्सा, ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है? तुमने बहुत अच्छा किया जो अम्मी जान को रोक लिया। अब मेरे जाने का सामान बांधो। खुदा ना करे आप जाए, जाए आपके दुश्मन। खुदा ना करे ना कहो, बल्कि यूं कहो कि खुदा करे। मैंने जो कॉलेज में अर्जी दी थी ना, उसका बुलावा आ गया है। अब मैं वहाँ शान से प्रोफेसर बन के रहूंगा। तनख्वाह जानती हो कितनी? अम्मा पूरे 900 रुपए है। 900। माशाल्लाह, खुदा अपने हबीब के सदके में तुझे और तरक्की दे। बस बस अम्मी जान, रहने दीजिए अपनी दुआएं। अभी आप हमसे आंखें फेर के जा रही थी। नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मैं भी उनकी छाती पे मुंह न करूं तो तेरी माँ नहीं। अम्मी जान का भी जवाब नहीं। पल में तोला, पल में माशा। देखिए ना, मेरी उंगली में पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? हाथ फेरती हूँ तो कुछ महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कागज पर हाथ फेर रही हूँ। चुटकी लेती हूँ तो कुछ एहसास ही नहीं होता। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। खून का दबाव बंद हो गया होगा। लो मैं ठीक कर दूँ। ये ना छोड़िए ना, घर देखने का तो। देखिए ना अम्मी जान, मेरी उंगली में शदीद तकलीफ है। खुदा जाने क्या हो गया है। क्या होता क्या है तुझे? तू कई बार शिकायत कर चुकी है। रह रह के उलझन होती है, न जाने क्या हो गया है। सुई भी चुभती हूँ तो कुछ एहसास ही नहीं होता। घबरा नहीं बेटी, कल मैं तुझे बड़ी डॉक्टरनी के पास ले चलूंगी, वो नवाब साहब को बहुत मानती है। इंशाअल्लाह तो उसके इलाज से बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। बेगम, नसीम को बहुत खतरनाक बीमारी है। अल्लाह खैर। अल्लाह ने खैर नहीं की, उसे कोढ़ हो गया, कोढ़। बेगम, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, उड़ के लगती है, बड़े एहतियात की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि आज से नसीम का ओढ़ना बिछाना, खाना पीना, रहना सहना सब अलग कर दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ये कैसे मुमकिन है? ऐसा ही करना होगा, वरना हम सब इस मोहल्ले की बीमारी मुब्तला हो जाएंगे। तुम मेरे पास मत आया करो, खुदा न करे कहीं बीमारी तुम्हें लग न जाए। अरे छोड़, ये सब किस्मती सौदा है। अगर मुझे कुछ होने वाला होगा होके रहेगा, मगर मैं तुझसे मिलना नहीं छोड़ूंगी नसीम। मैं पूछती हूँ, ये सारी बातें जावेद मियां को लिख क्यों नहीं देती? लिख चुकी हूँ कई खत, न मालूम उनका जवाब क्यों नहीं आया अब तक। तो आज 4 रुपए इनायत फरमाइए। हाँ, इस खत के तो 2 रुपए होते हैं। हाँ, दो हैं। दो? एक जो जावेद मियां ने लखनऊ से भेजा वो, और एक बहू साहिबा ने जो उनको भेज दिया था वो। अच्छा, सरकार है आपके 4 रुपए। सरकार की जवानी बनी ठनी रहे, कायम दायम रहे। जी, ये कोढ़ की बीमारी बहुत ही खतरनाक है, उड़ के लगती है, इसीलिए मैं जावेद को नसीम से मिलने नहीं देता। सरकार, अब बंदा गैर हाजिर होना चाहता है, उड़ के लगती है। इस तरह बोलिया कॉल कर, आज रात ही को यहाँ से 9 हो जाना है। तो हाँ, बेगम साहबा से कहेगी ना? अरे बेगम साहिबा से कहेंगी तो वो रोक लेंगे, वो रोक लेंगी तो मारे जाएंगे। देखेंगे, ये कोढ़ बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उड़ के लगती है। नवाब साहब कहे चल जल्दी, पलंग को कैसे ले जाएंगे? देखो, नवाब का घर भी हाथ से निकल गया। घर में कोढ़ की बीमारी ने कब्जा कर लिया, उसके साथ ही एक-एक करके मुंह मोड़ रहे हैं। नवाब साहब, अब आप यहाँ ना आया कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो खुशी जान? मैं ठीक कह रही हूँ। अब आपकी जरूरत यहाँ से ज्यादा आपके अपने घर में है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अब आपके पास जो पैसा बचा हुआ है उसे आप अपनी बहू के इलाज में सर्व कर दीजिए, और मुझे खतरा है कहीं कोर्ट के जरासीम आपके जरिए यहाँ तक ना पहुँच जाए। आदाब। बहू की चुटिया पकड़कर घर से बाहर कर दो अभी, और इसी बात। ये हमारा हुक्म है, अब वो यहाँ नहीं रह सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? वो यहाँ नहीं रहेगी तो जाएगी कहाँ? इतनी बड़ी दुनिया में उसका है ही कौन? एक जावेद है, तो उससे भी आप नहीं मिलने देते। हम कुछ नहीं जानते, उसके लिए अगर जगह नहीं है तो उससे कह दो कि अंधे कुएं में छलांग लगा दे। उसकी वजह से हमारी बड़ी रुसवाई हो रही है। हमारे दोस्त अहबाब हमसे मुंह मोड़ गए, पुराने वफादार नौकर भी साथ छोड़ गए। हद यह है बेगम कि हमारी जिंदगी की सबसे हसीन तफरी भी उस कमबख्त की वजह से तबाह हो गई। खुशी जहां ने भी आंखें फेर दी। उसको इसी वक्त घर से निकालो बेगम, वरना हम तबाह हो जाएंगे। उसको निकाल दो सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए, और जब वो दर बदर भटकेगी तब आपकी रसवाई नहीं होगी। और फिर ये तो सोचिए, ऐसी हालत में वो रहेगी कहाँ, कहाँ सर छुपाएगी, जबकि वो हामला है, चंद ही रोज में बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, मैं उधर नहीं जाता। छोड़िए अम्मी जान, चलिए अंदर चल के आराम कीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी अम्मी, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती अम्मी। छू लिया बेगम, इसने तुम्हें छू लिया, अब तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, तुम भी मेरे लायक नहीं रहोगे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। चाचा जान, आगे बताना, कहीं तेरी हवा बचे न लग जाए। पता क्या बताई है? चला जान, बेगम साहब घर छोड़कर चले गए। चली गई, सब चले गए, मगर तू बेहया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। चल तू भी चली जा, इसी पर मुंह काला करी वहां से। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, एक पल नहीं ठहरूंगी। और सुन, अगर तू कमाल अख्तर के नुस्खे से है तो फिर इस दरवाजे पर कभी वापस नहीं आना, कभी वापस नहीं आना। माफ कीजिएगा, मुझे फिरोज साहब से मिलना है। नहीं फिरोज, फरमाइए। जावेद साहब आप ही के पास रहते हैं? मेरे साथ में रहते हैं, लेकिन वो तो चले गए। चले गए? हाँ, कोई लड़की है मेमुना, उसका खत आया था कि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है। खत पाते ही वो आज सुबह गाड़ी से चले गए। जी लेकिन मैं कहता हूँ, आपने उसे घर से क्यों निकाल दिया? अगर उसे कोई भयानक बीमारी हो गई थी तो मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? क्या मैं मर गया था? खामोश, बेअदब, गुस्ताख, अपने बुजुर्गों के सामने जुबान दराजी कर रहा है। मैंने गुस्ताखी और बेअदबी आप ही जैसे बुजुर्ग से सीखी है। आपने कौन सी कमी की है? जायदाद बेताली, घर को गिरवी कर दिया, मेरी माँ को परेशान करके घर से निकाल दिया, एक बीमार बहू रह गई उसे भी ठोकर मार दी। आप जैसा बेरहम सफात इंसान इस दुनिया के पर्दे में नहीं होगा। खामोश, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इंसान कहकर पूरी इंसानियत की तौहीन की है। जावेद, अब आजान, बचपन से आज तक अदब, शर्म और शराफत के दायरे में रहा, लेकिन आज मुझे उस दायरे को तोड़ने पर आपने मजबूर कर दिया है। आज मेरी जबान खुली है तो बंद ना होगी, मैं पूछ के रहूंगा, नसीम कहाँ है? कहाँ है मेरी नसीम? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। के सब झोपड़े हम लोगों के हैं। हाँ, इस पत्ता साहब, वो यहाँ आई थी, उसको एक लड़की पैदा हुई, ना मालूम वो कहाँ चली गई, खुदा को मान। मुकदम बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम्हें काम पर ले लेगा, 5 रुपए रोज के हिसाब से मिलेंगे। अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरी झोपड़ी में रहना, लेकिन 8 आने रोज के दे दिया करना। तो सब ठीक है चाची, लेकिन मेरे साथ मेरी बच्ची है। अरे बाबा, यहाँ बहुत सी औरतें बच्ची वाली हैं। अच्छा तो चलो, चलो मैं तुम्हें मुकदम के पास ले चलूँ। वो 2 घंटे मुझे परेशान कर रहा है। घबराओ नहीं, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी पीछा नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ। बहुत खूबसूरत है। कांप रही हो, सर्दी लग रही है क्या? मेरे सीने से लग जाओ, गर्मी आ जाएगी। दूर हटो, मुझे हाथ नहीं लगाना। जमाने के बाद इस खंडर में खूबसूरत फूल खिला है और तुम कहती हो हाथ। छोड़ दो मुझे, देखो देखो मैं कोड़ी हूँ। कोई बात नहीं, हम दोनों ही कोड़ी हैं। तुम्हारे तन में कोड़ है और मेरा जमीर कोड़ी है। मैं बड़ी बेदर्दी से लोगों को कत्ल करता हूँ, लूटता हूँ और घरों में आग लगा देता हूँ। क्या क्या तुम डाकू हो? होश ना डाकू, मेरे बाबू मैं खौफ गई। जिसके नाम से लोग कांपते हैं, मेरे आका मेरी इज्जत बचा लेना। आज वही हुस्ना अपने दिल की पलका काटूस चले। मैं तो खामखा डर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह लजीम, सुभानल्लाह लजीम, वबे हमदही, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर खुदा का यही हुक्म है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? तुम दुखियारी, मुसीबत की मारी और कुछ भी नहीं। ये बहुत जहरीला सांप था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे मरने क्यों नहीं दिया तुमने? कुछ भी है, मैं तुम्हें मरता देख नहीं सकती थी। शायद मेरे खुदा ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा कि मैं तुम्हें बचा सकूं। नहीं, फिक्र मत करो, इस पर दोस्त न डाको नहीं। एक भाई अपनी बहन को गले से लगा रहा है। बहन, बहुत दुखी मालूम होती है तुम। कहाँ जाना चाहती हो? मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। इस तरफ बीकानेर है और इधर जोधपुर और उधर दूर उन पहाड़ियों के पीछे 80 मील दूर अजमेर। अजमेर? मैं अजमेर शरीफ जाऊंगी। उनके दरबार तक मैं तुमको अपने घोड़े पे ले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। कोई खतरा नहीं। मैंने कसम खाई थी कि वो जिंदा कभी गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी बहन को लेकर ख्वाजा साहब के दरबार में जा रहा हूं और वादा करता हूं कि वापसी में खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये हुस्ना का वादा है, ये नहीं हो सकता। भैया भैया तुम भाग जाओ, मैं दरबार तक खुद पहुंच जाऊंगी। ताजदार, हुस्ना ने अपनी बहन से वादा किया है कि उसे ख्वाजा के दरबार तक पहुंचा के रहेगा। तुम इस लड़की को छोड़ दो, हम इसे ख्वाजा साहब के दरबार तक खुद पहुंचा देंगे। जिंदगी में पहली बार नेक काम करने जा रहा हूँ थानेदार, और वो भी तुम मुझसे छीनना चाहते हो। जितना करो हुस्ना, अगर आगे बढ़ोगे तो गोली चला देंगे। तो चलाओ गोली, कोई फर्क ना करे। देखते नहीं उसके साथ लड़की है। तू भाग जा यहाँ से। नहीं भैया, शायद मेरे नसीब में ख्वाजा साहब के दरबार तक पहुंचना नहीं था। तू भाग जा। देख पुलिस आ गई, भाग जा भैया, भाग जा यहाँ से। हुस्ना, हुस्ना, क्या बोले अल्लाह मियां? अल्लाह मियां बोले मुन्नी की अम्मी जरूर आ जाएंगी। अभी तक क्यों नहीं आई? अल्लाह मियां जरूर झूठ बोला। अस्तगफिरुल्लाह। बेटे अल्लाह मियां के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, गुनाह होता है। क्या गुस्सा हो जाता है अल्लाह मियां? क्या मारते बच्चों को? नहीं बेटी, वो तो रहीम है, तौबा करने पे अपने बंदों के गुनाहों को बख्श दिया करता है। कैसा है अल्लाह मियां, आपकी तरह दाढ़ी वाले हैं? नहीं, अल्लाह मियां की कोई शक्ल नहीं है, वो तो नूर है। नूर क्या होता है बाबा? रोशनी। चांद, सितारे, सूरज, इनमें जो रोशनी है ना, सब नूर इलाही है। नूर मेरे में भी है? बेशक। तब तो मैं भी नूर इलाही हूँ, है ना बाबा? हाँ बेटी, तुम भी नूर इलाही हो। चलो ना बाबा। कहाँ? अम्मी को ढूंढना है। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? वो पेड़ के नीचे। चलो ना। अच्छा चलो। अरे अपनी गुड़िया ले लो। मैं तो कहूँ हूँ, रोज किसी ना किसी घर में शादी हो जाए। 17 घर भटकने से तो जान बचे। अरे खाना तो 150 मिल गया धनिया, 2 दिन तक खाएगी तब भी नहीं खत्म होने का। क्या मियाँ कुछ मिला नहीं दिखता आज? हाँ चले आओ बिंदास, जितने तुम भी खा लो अपने नसीब का। क्यों धन्नो? ये ठीक ही तो है, खराब देना तो सवाब का काम है। भूखा दिखे बेटा। हाँ लो। बेटे यहाँ तो तुम्हारी अम्मी कहीं नहीं है। हाँ और देख लेते हैं, चलो ना बाबा। चलो बेटी। नवाब साहब, नवाब साहब, ये आपकी क्या हालत हो गई? नहीं नहीं, उसकी जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वो तो रहीम में गुनाहों को बख्श दिया करता है। यकीनन कहता हूँ नवाब साहब, मांगने वाला अगर सच्चे दिल से मांगे तो उसकी झोली छोटी पड़ सकती है, मगर उसके देन में कमी नहीं आती। तो गफूर रहीम। चलिए आप मेरे साथ। आप चलिए नवाब साहब, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। चलो बेटे, लकड़ी ले लो। आइए आई, बिस्मिल्लाह। नहीं, मुझे दी। यहाँ आराम से बैठे नवाब साहब। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, ये तो फकीर है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ये तो सचमुच के नवाब थे। अम्मी कहती थी मेरे दादा भी नवाब थे। झूठ कोई कहती हूँ, तुम मम्मी से पूछ लेना। अच्छा पूछ लेंगे बेटी, पहले तुम्हारी अम्मी मिल तो जाए। वो जिंदा है? कहाँ हो? वो जिंदा है। जावेद, जावेद, फिरोज, फिरोज मेरी नसें में जिंदा है। होश ना हो जावेद, क्या तुम ख्वाब देख रहे थे? हाँ, कोई गुस्से ख्वाब में कह रहा था तेरी नसें में जिंदा है और वो तुझे दरगाह पे मिलेगी। पहुंच दरगाह पे। यही तो मुझसे पूछ रहा था कि तुमने मुझे जला दी। अरे यार, ये सब ख्वाब की बातें हैं। नहीं फिरोज, ये ख्वाब सच। मेरी नसीब मुझे जरूर मिलेगी। लेकिन दरगाहें तो इतनी सी हैं, हम उसे कहां ढूंढेंगे? फिरोज समझ गया, अगर ये बात है तो मैं तुझे लेकर हर दरगाह पर चलूंगा। देखा तुमने, ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ से तुम्हारी अम्मी बहुत जल्दी आ जाएंगी। ख्वाजा जी तो अम्मी को भेजते ही नहीं। आपकी बार अम्मी जरूर आ जाएंगी। ख्वाजा जी को खुद लिखो। सुबह लिख देंगे बेटे। अभी लिखो। वे लिखो? अच्छा चल भाई, तेरी इज्जत पूरी करता हूँ। बोल बेटी, क्या लिखे ख्वाजा जी को? ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, नूर रोती है, होती है, मम्मी को जल्दी भेजो, मम्मी को जल्दी भेजो, आपकी नूर। बस चल बेटे, अभी हम सुबह भेज देंगे। अब तुम चुपचाप अल्लाह का नाम लेके सो जाओ। सो जाओ बेटे, चलो। शाबाश बेटे। मालिक आलिए, हम तुम्हारे मुँह पोछते। बोलो शुक्र अल्लाह का, बोलो शुक्र अल्लाह का। जिद नहीं करो बेटी, नवाब साहब की तबीयत ठीक नहीं है। देखना, ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ से नवाब साहब बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ख्वाजा जी तो चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। बेटे ढेरों चिट्ठियाँ आती हैं, देर तो लगेगी ना उसमें। फिर एक चिट्ठी और लिखो ख्वाजा जी को। एक और लिखूं? अच्छा बेटे लाओ, लिख देता हूँ। हाँ बोल बेटी, क्या लिखूं? नवाब जी अच्छे हो जा। ख्वाजा जी नवाब साहब को जल्दी अच्छा करो और मम्मी को जल्दी भेजो, और मम्मी को जल्दी, बहुत जल्दी भेजो। बस लो, अब ये चिट्ठी भी हम भेज देते हैं। खुश सर? ऐसा है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी बेटे मगर कोई बात नहीं, हम तुम्हें फतेहपुर के रास्ते में छोड़ देंगे। चलो बाबा, आओ मेरे साथ, आओ बेटे, आओ। आराम मेरा रंग बिगड़ गया, मेरा यार मुझे से बिछड़ गया, जो चमन चमन खजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ। तो देखो बेटे, वो आ गया फतेहपुर का रास्ता। खुदा हाफिज़ बेटे, खुदा हाफिज़। मुझे अस्पताल पहुंचा दो, बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ ले आओ, मैं अस्पताल पहुंचा देता हूँ, जाओ फौरन, जल्दी लाओ। हो गया। जल्दी शुक्रिया जल्दी से ड्राइवर जल्दी से गाड़ी चलाओ। ड्राइवर हो जाए तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। जल्दी करो। आपकी चोट लग गई, आपके खून निकल रहा है। बाबा बाबा साहब क्या क्या हुआ? बाहर गए थे आप? मैंने आपको इसलिए बीजी बार कहा बाहर में जाया कीजिए। बेटे घबराला मत, मुझसे कह दिया कीजिए आप। लेट जाइए आराम कीजिए, बस लेटे रहिए। नवाब साहब के लिए ख्वाजा जी से दुआ मांग रहा हूँ। बेटी ख्वाजा जी आपकी तो कुछ सुनता ही नहीं, मैं दुआ मांगती हूँ। ख्वाजा जी नवाब साहब को अच्छा कर दो, देखो खून निकल रहा है। वो बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। या अल्लाह नवाब साहब आप भी दुआ करना ख्वाजा जी से, मैं भी करूँगी। या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं कुफ्र से तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। ख्वाजा जी नवाब साहब को अच्छा कर दो, नहीं तो बाबा कहेंगे कि नूर की बात ख्वाजा जी नहीं मानते। या गरीब नवाज, मैंने आपकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, मुझे माफ कर दीजिए। ख्वाजा जी नवाब साहब को अच्छा कर दो ना, नहीं तो बाबा समझेंगे मैं झूठ बोलती। मेरे गुनाहों की इंतहा नहीं, लेकिन खुदा बंदे पाक रब्बुल आलमीन से आपकी एक दुआ मेरे गुनाह आलूदा दिल को मुनव्वर कर सकती है। ख्वाजा जी आप साहब को अच्छा कर दो, नहीं तो मैं रो करूंगी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन मुझ गुनहगार को बख्श दे, मुझ गुनहगार को बख्श दो। अल्लाह अल्लाह अकबर। बाबा ख्वाजा जी ने मेरी बात मानी ना? हाँ बेटे, ख्वाजा जी ने तेरी बात। अल्लाह देखिए अभी तुम्हें आराम की और सख्त जरूरत है, कंप्लीट रेस्ट। बिस्तर से हिलना नहीं यार। गुड, अच्छा मैं चलता हूँ। अजी मुझ गुनहगार की क्या नमाज क़िबला, बस बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा रहा था जिसने इस मासूम बच्ची के सदक़े में मेरे गुनाहों को बख्श दिया। ये बच्ची तो वाकई नूर इलाही है नवाब साहब, इसकी सिदक दिले के सामने मेरी इबादत भी शर्मसार हो गई। इसमें क्या शक है हुजूर अक़दस, बस एक हसरत रह गई। क्या? काश एक दफ़ा नसीम जावेद बेगम साहिबा से मुलाकात हो जाती तो माफ़ी मांग लेता। गरीब नवाज का करम रहा तो ये दिन भी जरूर आएगा नवाब साहब। बेटी नसीम, डॉक्टर साहब आए हैं, जल्दी आ जा। आती हूँ चाचा जी। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से अब नसीम कार में सफर कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, वो अपनी बच्ची के लिए रो रो करके जान दे रही है और मैं सोचता हूँ कि उसे ले जाकर के उसकी बेटी से मिला। ख्वाजा जी आप पे तो बहुत बड़ा दवाखाना है, मम्मी को ठीक करो ना। वो अच्छी हो जाएंगी, मेरे पास आ जाएंगी। कितनी चिट्ठियाँ लिखी है, आप तो जवाब ही नहीं देते। बाबा कहते थे कि अल्लाह तुम्हारी हर बात मानते, फिर मम्मी को ठीक कराना। खुदा करे इस मासूम की दुआ कबूल हो जाए। जरूर होगी नवाब साहब, अल्लाह ताला मासूम दिलों की दुआएं जरूर कबूल करता है। अगर तुम मम्मी को अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुमसे कुट्टी कर लूंगी, फिर कभी नहीं बोलूंगी। ये तो अच्छी हो गई। मेरा कर, मेरा कर, मेरा कर। मैं अच्छी हो गई, मैं अच्छी हो गई। अल्लाह, मैं शुक्र अदा नहीं कर सकती। अल्लाह, हे भगवान, मेरी महिमा पर पार। चलो मैं अच्छी हो गई, चलो मैं अच्छी हो गई। बेटा हो गई, मेरी भी अच्छी हो गई, मेरी भी। अब तो किस्मत आजमाने को सिर्फ एक ही दर रह गया है। वो कौन सा? शहंशाह हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का। आज तो मुतवातिर रोज चली जा रही है। कहती है मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो। बताइए उसकी अम्मी को कहाँ ढूंढे? यही तो मुश्किल है नवाज साहब। हुजूर अकदस गरीब नवाज पर उसका एतकाद इतना बढ़ गया है। कह रही थी कि अगर आप उसकी अम्मी को ढूंढ के नहीं लाए तो खुद अजमेर शरीफ चली जाएगी और ख्वाजा साहब से कहेगी। फकीर चाचा, क्या है मुन्नी? कभी तुम ख्वाजा जी का घर गए हो? हाँ मुन्नी, मैं कई बार ख्वाजा जी के दरबार गया हूँ। ये सीधी सड़क अजमेर शरीफ को जाती है, इसी से गया था मैं। लेकिन तू क्यों पूछे? मैं अजमेर जाऊंगी ख्वाजा जी के घर। पर तू क्यों जाएगी? अपनी मम्मी को ढूंढना। अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, तू जाके खेल। फकीरा भैया, अबे आ रही हूँ। चिलम तैयार है। ला ला ला। यार, ये तो वही बच्ची है जिसका गुब्बारा फुलाया था। जी हाँ, उसके वाले साहब ने। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अजमेर जा रही हूँ, मुझे अपनी गाड़ी में ले चलोगे? हाँ हाँ ले चलेंगे। मेरी गुड़िया को भी? हाँ हाँ तुम्हारी गुड़िया को भी ले चलेंगे। लेकिन बेटे एक बात बताओ, तुम अजमेर शरीफ क्यों जाना चाहती हो? अपनी अम्मी को लेने। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी अजमेर गयी हुई है? अम्मी कहाँ नहीं पता नहीं। मैं जा रही हूँ ख्वाजा जी के पास, मुझे ले चलेंगे गाड़ी में? हाँ हाँ बेटे जरूर ले चलेंगे। आओ यार, इसे कहाँ ले चल रहे हो? कहीं कोई पुलिस का चक्कर ना हो जाए। यार इस बच्ची को यहाँ छोड़ना भी तो अच्छा नहीं। अजमेर चल के पुलिस को इत्तला कर देंगे। आओ। अबे फकीरा, मुन्नी तो जा रही है मोटर में बैठकर। अबे क्या कह रही है? नसीम की जान बचाकर आपने मुझ पर जो एहसान किया है शंकर भैया, उसका बदला मैं ताक़यामत न चुका सकूंगी। जान बचाने वाला तो भगवान है बेगम साहिबा। नसीम की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उसे नहीं बताया। क्या? उसके वालिद का खत आया था अजमेर शरीफ से। कमाल का। जी हाँ, मैं अजमेर शरीफ भी गया था। बहुत ढूंढा लेकिन मुलाकात न हो सकी। चाचा जी मुन्नी के पास कब चलोगे? अरे बेटा मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ ना, अभी चलते हैं। तैयार हो जाओ ना। चलो बेटी। बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? मुन्नी चलेगी। चलेगी कहाँ? अजमेर शरीफ। किसके साथ गई? मोटर में बैठ के। मोटर में बैठ के? जी। बहुत बुरा हुआ। उसकी माँ आएगी तो मैं से क्या जवाब दूंगा? नहीं, मुझे जाना होगा। देखा कैसे सो रही है? मालूम होता है जैसे अपने वाल की गोद में सो रही हो। फिरोज, वो यहाँ एक बच्ची रहती थी ना? रहती तो थी। कहाँ है वो? अरे वो तो गई। कहाँ गई? अजमेर शरीफ गई है अपनी अम्मा को ढूंढने को। मेरी मुन्नी बेचारी रात दिन रोवा करे थी अपनी अम्मा के लिए। मुन्नी। नसीम मुन्नी के पास ले चलो। शंकर भैया, घबराइए नहीं बेगम साहिबा, पहले इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर अजमेर शरीफ चलेंगे। चलिए। बैठे हो? दादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मामला क्या है? बच्ची सुबह तो दरगाह शरीफ में बैठी है। चाचा नहीं आओ, छोटी बच्ची कहाँ है? दरगाह शरीफ में बैठी। हमारे बनने का बच्ची बैठे ना सुबह से धूप में बैठी, ना तुमने कुछ खाया ना पिया, क्या बात है बेटी? यार इतनी जल्दी ना उम्मीद हो गई। जरा उस बच्ची को तो देखो जो सुबह से माँ के इंतजार में दरबार शरीफ में बैठी है। यार तुम कहते तो सही है, आज तक कोई ख्वाजा गरीब नवाज के दर से खाली तो नहीं लौटा। आओ तो फिर चले अंदर, अंदर बैठेंगे। कहाँ जा रहा है? हम उस छोटी बच्ची को देखने जा रहे हैं, दरिया शरीफ में बैठी हुई है। चलो तुम भी चलो। चलो देखें अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सुबला भाई साहब, आज दरबार शरीफ में बहुत लोग नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? वो देखो सामने बच्ची बैठी हुई है। बैठी तो है, बच्ची तो बच्ची रही। आज तो बड़े बड़े हुजूर क्या मौजूद है। अच्छा वो देखो सुभान बाबा, हाँ, और पीछे बैठे हुए हैं आरिफ बाबा। हाँ हाँ, आखिर बात क्या है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, बेचारी बच्ची दरबार शरीफ में सुबह से भूखे प्यासी बैठी हुई है। हाँ, जबान से कुछ नहीं बोलती। दरबारे चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबान से, दरबारे चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबान से, ए दरबारे चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबान से, जुबान से, दरबारे चिश्तिया बोलो तो कुछ जुबान से। ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा, मिलेगा सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्तां से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्तां से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्तां से। मिल जाएंगी मुरादें दामन बिछा के देखो, मायूस क्यों हो इतने इतने इस दर पे आके देखो, देखो सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्तां से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्तां से। अजमेर की जमीन पे धूनी रमाए, अजमेर की जमीन पे संभाला चाहिए। दीन की दौलत के ईमान का उजाला चाहिए। शान शौकत जाओ हशमत खैर बरकत मालो जर। क्या नहीं मिलता यहाँ से, क्या नहीं मिलता यहाँ से, लेने वाला चाहिए। सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के रास्ता पे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के रास्ता पे। मुफलिस हो या गनी हो, आता हो या गदा हो, गदा हो। मुफलिस हो या गनी हो, आता हो या गदा हो। मुफलिस हो या गनी हो, आता हो या गदा हो। मुफलिस हो या गनी हो, आता हो या गदा हो। ये भर भर के अपनी झोली रे झोली, भर भर के अपनी भर भर के भर भर के अपनी झोली। लौटे हैं सब यहाँ से, भर भर के अपनी झोली। लौटे हैं सब यहाँ से, भर भर के अपनी झोली। लौटे हैं सब यहाँ से। परेशान हाल है परेशान मेरे ख्वाजा जी, परेशान हाल है। अजमेर वाले आसरा दीजिए, बस अब जल्दी से जो बिगड़ी हमारी है बना दीजिए। हाँ बहुत ही देर से बैठे हैं हम दामन को फैलाए। इनायत का समंदर समंदर अब तो ख्वाजा जोश में आए। नबी के लाडले हो, औलिया के हो तुम्हें। बिछड़े हुए हैं ख्वाजा जी ख्वाजा, बिछड़े हो बिछड़े हुए हैं ख्वाजा। हम अपने कारवां से बिछड़े हुए हैं ख्वाजा, हम अपने कारवां से बिछड़े हुए हैं ख्वाजा, हम अपने कारवां से। अहमद के दामाद का सदका, अहमद के दामाद का सदका। और जहरा की औलाद का सदका, जहरा की औलाद का सदका। इब्ने अली की जान का सदका, इब्ने अली की जान का सदका। जन्नत के मेहमान का सदका, जन्नत के मेहमान का सदका। बानों के शौहर का सदका, बानों के शौहर का सदका। ज़ैनब की चादर का सदका, ज़ैनब की चादर का सदका। शब्बर के घर भर का सदका, शब्बर के घर भर का सदका। और नन्हे से असगर का सदका, नन्हे से असगर का सदका। क़ल्बे नबी के चैन का सदका, क़ल्बे नबी के चैन का सदका। और ख्वाजा जी हसनैन का सदका, ख्वाजा जी हसनैन का सदका। हैदर के गुलशन का सदका, गुलशन का सदका। आसिम की दुल्हन का सदका, आसिम की दुल्हन का सदका। भूखे बेआसों का सदका, भूखे बेआसों का सदका। और करबल के प्यासों का सदका, करबल के प्यासों का सदका। अकबर से जादार का सदका, अकबर से जादार का सदका। आबिद से बीमार का सदका, आबिद से का सदका, क्या सदका, मुस्लिम और अब्बास का सदका, मुस्लिम और अब्बास का सदका, महबूबे दावर का सदका, महबूबे दावर का सदका, रब के पैगंबर का सदका, रब के पैगंबर का सदका, कौन मका के शाह का सदका, कौन मका के शाह का सदका, यानी रसूल अल्लाह का सदका। अपनी बिछड़े हुए ख्वाजा, ख्वाजा बिछड़े हुए हैं ख्वाजा, हम अपने कारवां से बिछड़े हुए हैं ख्वाजा, हम अपने कारवां से। ख्वाजा जी अब तो उठो ना, मम्मी को ढूंढने चलेंगे। कितनी चिट्ठियां भेजी हैं, आपने जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए तो मैं आई हूँ। सुभान अल्लाह, एक तरफ दाता है, दूसरी तरफ मासूम सवाली। अब तो बोले ना खादी जी, सुबह से मैं यहाँ बैठी हूँ। बाबा कहते थे आपकी दुआ से मम्मी मिल जाएगी, आप तो बात ही नहीं करते। गरीब नवाज के इस बच्ची पे कितना करम है, ये कोई मुझसे पूछे। दादी आप तो मुझसे रूठ गए, इसीलिए तो आप बात नहीं करते। अच्छा तो मेरी गुड़िया लेंगे। अब तो बात करो, चलो मम्मी को ढूंढने। नहीं चलूंगा मैं, अल्लाह मियां से शिकायत करूंगी। मम्मी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची सुनी मेरी ख्वाजा ने। नसीम, नसीब, नसीब, जावेद, जावेद दिया, तुम्हारी बच्ची नूर, नूर, नूर मेरी बच्ची। जावेद, जावेद, नसीब, देख, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। अब तो जावेद बस, ये क्या कह रहे हैं अब्बा जान? बस आओ, फुआ में वक्त ज़ाया मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो, ख्वाजा गरीब नवाज की कदम बूसी के लिए हाजिर हो जाओ। ख्वाजा जी गुड़िया ले लूं? दरबार चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबान से, दरबार चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबान से, अरे सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा खुदा